देखिए, डेढ़ साल में इनने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया था। थानों की नीलामी होती थी, टीआई की पोस्टिंग रिचार्ज और रिन्यूअल की तरह होती थी। अगर रिन्यू नहीं करा पाया वो अपनी 6 महीने में पोस्टिंग, तो दूसरा टीआई आ जाता था। सारे अवैध काम, चाहे वो शराब का हो, रेत का हो, जुए का हो, सट्टे का हो, इस व्यवस्था के बिगड़ने से कारण से फिर लॉकडाउन आ गया। अब ताकत के साथ में आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। उसी कड़ी में शेखर लोधी एक था, ये हत्या के केस में वांटेड था, 18-20 मुकदमे इस पर दर्ज थे। ये जो संस्कार वैली स्कूल के पास की घटना है, अपराधियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी सरकार का अभियान चल रहा है, पर ऐसे जितने भी अपराधी जहां भी घूमते मिलेंगे उनके साथ में सख्ती से पुलिस पेश आएगी। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, पैर में चोट आई है।